निरंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। रहम तेरी सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास सदा नानक की अरदास रहम तेरी सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास सदा नानक की अरदास रहम तेरी सुख पाया रहम तेरी सुख पाया तू समरथ अकथ अगोचर तू समरथ अकथ अगोचर जियो पिंड तेरी आस जियो पिंड तेरी रास रहम तेरी सुख पाया रहम तेरी सुख पाया मेहरबान साहेब मेहरबान साहेब मेरा मेहरबान
सगल को दे दान, जी सगल को दे दान, जी सगल को दे दान, जी सगल को दे दान, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सदा नानक की अरदास, सदा नानक की अरदास, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया। जिन पैदाइश तू किया, जिन पैदाइश तू किया, सोई दे आधार, सोई दे आधार, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सदा नानक की अरदास, सदा नानक की अरदास, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया। सुख नाही हर पगत बिना, हर पगत बिना, सुख नाही रे हर पगत बिना, हर पगत बिना, सुख नाही रे हर पगत बिना, हर पगत बिना, रतन अमोलक जनाए, रतन अमोलक
सुख और दुख अच्छा फरमाते हैं कि मन की अवस्था है। एक आदमी जिसका कोई भी नहीं, अगर उसने नाम जपा है तो अकेला बैठा भी सुखी है, घर से बोले धन गुणा है। और एक इंसान जिसके पास सब कुछ है, धन दौलत बच्चे सब कुछ, घर में रहकर भी दुखी हो सकता है अगर नाम नहीं जपा, घर से बोले धन गुणा है। क्योंकि सुख और दुख ये मन की अवस्था है, और मन सुखी तब होता है अगर नाम जपा हो तो, यहां से बोले धन गुरना। इस सारी सृष्टि में जो कुछ भी है नाम के आश्रय है। कबीर जी जा रहे हैं अमृत वेले का समय, एक पंडित जी सुबह सुबह जंगल से होकर आ रहे हैं शौच करके, हाथ में लोटा है, जनेऊ कान में लपेटा हुआ है। कबीर जी ने पंडित जी को देखकर कहा, पंडित जी राम राम, प्यार से बोलिए धन को तार। पर पंडित जी चुप रहे। ये बड़ी प्यारी एक छोटी सी साखी है, कल मैंने कहीं पर पढ़ी।
कबीर जी ने फिर से कहा, पंडित जी राम राम। पंडित जी चुप, जवाब नहीं दे रहे और आगे से निकल गए। कबीर जी भी पीछे हो लिए, घर से बोलिए धन गुरनान। तीसरी बार कबीर जी ने कहा, पंडित जी राम राम। पंडित जी चुप रहे और सीधा कुएं पे गए। सबसे पहले स्नान किया। स्नान करने के बाद अब कबीर जी ने जब कहा पंडित जी राम राम, तो पंडित जी ने जवाब दिया राम राम, प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी कहने लगे, पहले क्यों नहीं जवाब दिया? तो पंडित जी कहने लगे, मैं झूठा था, मैं शौच करके आ रहा था, जंगल से होके आ रहा था, मैं झूठा था, सच्चा नहीं था, इसलिए मैंने राम राम नहीं कहा, प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कबीर जी पूछने लगे, अब सच्चा हो गए, अब आप सच्चे हो गए? पंडित जी कहने लगे, हाँ अब मैं सच्चा हो गया। कबीर जी कहने लगे, कैसे? पंडित जी ने जवाब दिया, अब मैं सच्चा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने स्नान कर लिया। पानी सच्चा होता है, पानी से स्नान किया, मैं सच्चा हो गया। कबीर जी ने कहा, पानी को सच्चा कौन करता है? घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पंडित जी ने कहा, पानी को सच्चा करते हैं वायु, ये हवा। अब कबीर जी ने फिर से सवाल पूछा कि इस वायु को कौन सच्चा करता है? घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो पंडित जी कहने लगे, इस वायु को जो वेद शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि शेषनाग जो पृथ्वी को अपने सर पे लिए खड़ा है, वो राम नाम का उच्चारण करता है, प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उससे वायु सूची हो जाती है, प्यार से बोले धन गुरु नानक। साथ संगत जी, इस बात पे थोड़ा ध्यान देना। एक होता है इतिहास, एक होता है मिथिहास। इतिहास उसे कहते हैं जिसके कुछ प्रूफ हो, जो दिखाई देता हो। जैसे गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पर जाकर, यहाँ पर इसे तारा, तो वहां पर गुरुद्वारा है, उसकी निशानियां हैं, उसकी साखी है, इसे कहते हैं इतिहास। एक होता है मिथिहास, पढ़ा तो है, लिखा तो है, पर उसका कोई प्रमाण नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, यह मिथिहास है कि शेषनाग पृथ्वी को अपने सर पर लेकर खड़ा है। श्रद्धा की बात है, मानने वाले मानते हैं क्योंकि शास्त्रों में लिखा है। अब स्पेस में जाकर कोई शेषनाग दिखाई नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शास्त्र ये भी कहते हैं कहीं पर कि गाय अपने सिंह पर पृथ्वी को लेकर खड़ी है, पर स्पेस में जाओ तो गाय भी दिखाई नहीं देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये मिथिहास है। कबीर जी कहने लगे, शेष नाम राम नाम का उच्चारण करता है तब वायु पवित्र होती है। आखिर में तो राम का नाम ही सबको पवित्र करता है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो मैं भी तो वही राम राम कह रहा था तुमसे। अगर सारी सृष्टि को पवित्र करने वाला राम का नाम है, जब मैंने कहा राम राम, तुम भी कह देते राम राम, तो सच्चे हो जाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी महाराज इस बात को बड़े प्यार से, बड़े अलग तरह से समझाया करते। कहते, माना कि पृथ्वी को शेषनाग लेकर खड़ा है, मान लेते हैं, तो शेषनाग किसके ऊपर खड़ा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर ये मान ले कि गाय पृथ्वी को लेकर खड़ी है, तो गाय किसके ऊपर खड़ी है? तो बाबा आनंद सिंह जी महाराज समझाया करते थे कि जो भी दिखाई दे रहा है सारी सृष्टि में, सिर्फ ये धरती नहीं, सारी सृष्टि, सारी गैलेक्सीज, जितना कुछ दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा, सब नाम के आश्रय पर खड़े हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही नहीं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, नाम के आश्रय है। ये गलत फहमी है लोगों को, हम लोगों को। किसी बड़े बिजनेसमैन से पूछो ना कि तुमने इतनी तरक्की कैसे की, तो कहेगा मेरा दिमाग बड़ा तेज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मैंने इतनी मेहनत की है, रात रात भर जागा हूँ, और जिस काम में मैं मन लगाता हूँ, पूरे मन से करता हूँ, तो मैं तरक्की करता हूँ। सोचने की बात है, बड़े बड़े बिजनेसमैन कंगाल भी तो होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक मिनट में कंगाल हो जाती है, तब कहाँ गया तुम्हारा दिमाग?
तब कहाँ गई तुम्हारी मेहनत? तब ये नहीं कहते कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तब ये कहते हैं कि भगवान तूने क्या किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब तक तरक्की कर रहे हैं तो हमारी मेहनत, हमारा दिमाग, और जिस दिन नुकसान हो गया बड़ा तो भगवान ने क्या कर दिया। हुन बते हर नाम ना बीजियो, अग्गे भूखा क्या खाए। वाणी कहती है कि अगर अभी नाम नहीं बीजेगा तो आगे क्या खाएगा। इसका मतलब साफ है कि अब जो खा रहे हैं पहले बीजा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो इस चीज का अहंकार कि हमने मेहनत की है, मेहनत जो मजदूर रोड पर करता है कोई भी नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसे मुश्किल से दो वक्त की रोटी मिलती है, सब कुछ नाम के आश्रय पर खड़ा है। अगर जपा है नाम तो आज इंसान में गुण भरे हुए हैं, नाम के बदले वो गुण मिलते हैं। एकाग्रता, अच्छी सोच, कैसे काम करना है, ये सब गुण नाम जपने से मिलते हैं। जिस दिन नाम जपना बंद कर देता है इंसान, एक एक करके ये गुण खत्म होने शुरू हो जाते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारा कुछ नाम के आश्रय पे खड़ा है, सारा कुछ सुख नाही रे हर भगत बिना। इस भूल में मत रहना के बिना भक्ति के, बिना नाम के हम सुख पा लेंगे। अब सुख पा रहे हैं तो पहले जपा है, अब नहीं जपेंगे तो आगे सुख नहीं मिलेगा। वाणी पुकार पुकार के कह रही है, आओ पढ़िए। सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना जन्म एह रतन अमोलक, ये अमूल्य रतन स्वासो रूप पूंजी हमें मिली है। कैसे जीते इसको, ये जो बाजी चल रही है, हमें जन्म मिला है कैसे जीते। जीत जन्म एह रतन अमोलक, इस मनुष्य जन्म को अमोलक रतन कहा है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक अमूल्य रतन की बाजी चालू है, हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं। जीतने का ढंग क्या है, साध संगत जप इक खिना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो गुरु नानक ने हम पे तर्स किया है, साध संगत पक्षी यहाँ पर बैठकर नाम जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी, कुछ संगत गुरु अमरदास जी के पास आए और बेनती की, पाचा आप कहते हो कि श्वास श्वास सिमरन करो, आठ पैर सिमरन करो, पर हम गृहस्थी हैं कैसे करें। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम कैसे करें आठ पैर सिमरन, हमें बाल बच्चों को भी पालना है, दुकान पे भी जाना है, कई तरह के काम है, हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते, तो क्या हमारा उधार नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम डूब जाएंगे संसार सागर में, पानी क्या कहते हैं। सुन मन मेरे शब्द विचार, सुन मन मेरे
शब्द विचार राम जपो पग जल उतरे पार राम जपो पग जल उतरे पार। इस भवजल को वही पार कर सकता है जो राम का नाम जपे। घर से बोलिए धन गुरनारायण। गुरु अमरदास जी के पास सवाल किया कि हम आठ पैर सिमरन नहीं कर सकते, हम गृहस्थी हैं, हमारी ये अवस्था नहीं कि हम कर पाए, तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा, हम डूब जाएंगे। तो गुरु अमरदास जी ने बड़ी प्यारी शिक्षा दी साथियों में। कहने लगे जो पानी पर जहाज चलता है, चाहे सारा जहाज डूबा हुआ हो, अगर चार उंगली भी बाहर रह जाए ना, चार उंगली, तो वो डूबता नहीं, पार लग जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरनाम। धन गुरनाम। सारा जहाज पानी के अंदर हो, केवल चार उंगली बाहर हो इतनी, तो भी वो डूबता नहीं, पार लग जाता है। गुरु अमरदास जी ने उस दिन वचन किए कि चार घड़ियां केवल अमृत वेला संभाल लो। प्यार से बोलिए धन गुरनाम। ठीक है, आठ पैर सिमरन नहीं कर सकते, श्वास श्वास बंदगी नहीं कर सकते, केवल कम से कम, कम से कम कहा है साथ संगत जी, क्योंकि वैसे तो वचन है ढाई घंटे अमृत वेले, श्वास श्वास ऊंची अवस्था चाहिए। गुरु से मांगा करो, अगर किसी का ढाई घंटे का नियम है तो चार घंटे का हो जाए, चार का है तो छह का हो जाए, हमेशा मांगना चाहिए बढ़कर। ये उन लोगों के लिए है जो अत के आलसी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरनाम। धन गुरनाम। जिनका मन ही नहीं करता पूरा दिन नाम जपने का, गुरु अमरदास जी ने उनसे कहा है कि कम से कम चार घड़ियां अमृत वेले, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 24 48 48 48, एक घंटा 36 मिनट, डेढ़ घंटे के करीब, एक घंटा 40 मिनट के करीब। गुरु अमरदास जी ने उस दिन वचन किए कि केवल चार घड़ियां अमृत वेले की संभाल लो, सिमरन करके तुम पार लग जाओगे। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डूबोगे नहीं। तो जो हमारे घर में जो लोग हैं जो नहीं आते अमृत वेले, हम चाहते हैं वो आए, उनसे आज इतनी बेनती करना जाकर के चार घड़ियां अमृत वेले की संभाल लो, चार घड़ियां। तो चार से पांच कीर्तन होता है, आने में 15 मिनट, जाने में 15 मिनट, सिमरन करते करते आओ जाओ, डेढ़ घंटा हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कम से कम इतना समय अमृत वेले का संभाल लो। अगर यहाँ नहीं आ सकते, घर में उठ के संभाल लो, क्योंकि तीसरे गुरु नानक ने ये वर दे दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जीत जन्म
जो मर्जी तेरी
दिया गुरु जी सदा तेरा हैं लेकिन किन के उनके जो गुरु जी का हाँ उनके जो गुरु जी का नित सुमिरन करते हैं उनके जो गुरु जी का नित सुमिरन करते हैं उनके जो गुरु जी का नित सुमिरन करते जो गुरु जी का नित सुमिरन करते हैं बिना तेरे नहीं कोई आरज़ू बिना अब तेरे नहीं कोई आरज़ू कि साहिल भी तू कि माझी भी तू ही तू कि साहिल भी तू कि माझी भी तू ही तू कश्ती मेरी तू ही मेरा हौसला तू कश्ती मेरी तू ही मेरा हौसला सहारा दिया मुझे तूने हर दफा सहारा दिया मुझे तूने हर दफा गुरु शुक्रिया गुरु जी सदा सदा तेरा करो शुक्रिया कुर्बान तेरे जामा कुर्बान तेरे जामा कुर्बान तेरे जामा हो कुर्बान तेरे अपनी सब नाम तेरे लावा
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा Oh।
जय गुरु जी की। Oh.